विराट कोहली ने नीदरलैंड्स के खिलाफ सचिन तेंदुलकर के 49 वनडे शतक के रिकॉर्ड को तोड़ने से चूक गए। कोहली 51 रन बनाकर वैन डेर मेरवे की गेंद पर बोल्ड हो गए। वैन डेर मेरवे की एक करिश्माई गेंद पर कोहली चकमा खा गए और क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौटे। कोहली के बोल्ड होते ही बेंगलुरु में मौजूद फैंस हैरान रह गए। बता दें कि कोहली ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की थी उससे लग रहा था कि किंग आज शतक जरूर लगा देंगे, लेकिन 38 साल के स्पिनर ने विराट कोहली को अपनी मिस्ट्री गेंद पर चकमा दे दिया। कोहली 56 गेंद पर 51 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में किंग कोहली ने 5 चौके और एक छक्का लगाने में सफल रहे। बता दें कि जब कोहली आउट हुए तो दर्शक दीर्घा में उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा भी मौजूद थी। अनुष्का भी कोहली के आउट होने पर काफी निशार दिखी। वहीं 38 साल के गेंदबाज वैन डेर मेरवे ने कोहली को आउट करके काफी खुश नजर आए। गेंदबाज के चेहरे पर गर्व के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। दरअसल कोहली को लगा कि गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद टर्न करेगी। यही सोचकर कोहली ने बैकफुट पर जाकर ऑन ऑफ साइड में शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद सीधी रही और स्टंप पर जा लगी। कोहली गेंद को खेलने से दूर रह गए। वैन डेर मेरवे की यह गेंद पिच पर टप्पा खेलने के बाद तेजी के साथ स्टंप पर लगी। कोहली जब आउट हुए तो उनके चेहरे पर जो भाव उभर कर सामने आए थे उसे देखकर समझा जा सकता था कि गेंदबाज ने उन्हें अपनी जाल में फांसकर आउट किया है।